नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हमारे समाज में न जाने कितने सालों से फर्जी बाबाओं की करतूतों का काला खेल बदस्तूर जारी है। हर बाबा की गिरफ्तारी और उसके काले साम्राज्य के पर्दाफाश होने के बाद ये उम्मीद की जाती है कि जनता की आंखें खुलेंगी और फिर कोई शख्स फर्जी बाबा बनने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अपराध का ये सिलसिला खत्म ही नहीं होता। ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारी वजह से। वो क्यों, इसे समझिए जरा। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी होती है और इसी के चक्कर में वो बाबा के पास पहुंच जाता है। अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता और फिर विश्वास करने के लिए किसी का सहारा लेता है और फिर शुरुआत होती है उन बाबाओं के पास जाने की, जिस पर इतना विश्वास कर लिया जाता है कि आप उसे अपना भगवान तक मानने लगते हैं और फिर नतीजा हाथरस जैसा हादसा होता है। दरअसल हमारे देश में बाबा का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कॉन्सेप्ट है तो वो है संत का। इसलिए आपको समझना होगा कि आखिर संत का महत्व क्या होता है। कबीर दास जी कहते हैं कि संत प्रेम भाव का भूखा होता है, वह धन का भूखा नहीं होता। धन का भूखा होकर लालच में फिरता रहता है, वह सच्चा संत नहीं होता। ईश्वर के उद्देश्यों और भावनाओं से जुड़ा हुआ संत ही सच्चा संत है। असल में गेरुए वस्त्र पहनने और हिमालय पर चले जाने से कोई संत नहीं बन जाता, बल्कि सच्चा संत संपूर्ण मानवता के लिए समर्पित होकर सबके विकास को गति देता है। यानी संत अपने लोगों का विकास करता है। कहा गया है कि संत की पहचान इस बात में नहीं है कि उसे शास्त्रों का अधिक ज्ञान है, बल्कि उसके द्वारा लोकहित में किए गए कार्य उसे सच्चा संत बनाते हैं। सच्चे संत का इस संसार में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो ईश्वर का एक प्रतिनिधि होता है। सच्चे संत का पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित होता है। और अगर शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में संत और सतगुरु की अलग परिभाषा है, जिसे भी आपको समझना होगा। क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक सदगुरु अपने सभी शिष्यों को समान रूप से देखते हैं। सदगुरु कभी भी अपने शिष्यों में भेदभाव नहीं करते। दान दक्षिणा मांगने के लिए इधर उधर नहीं भटकते। सदगुरु सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। सदगुरु वह होता है जिसके पास सभी धार्मिक ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान होता है, और ये हमारे शास्त्र कहते हैं। ये शास्त्रों के मुताबिक एक संत और सदगुरु की परिभाषा है जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि सतगुरु और संत की परिभाषा ना समझकर लोग आखिर क्यों बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं और बाबाओं पर भारतीयों को इतना भरोसा क्यों है। दरअसल भारत 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश है और इसमें हजारों बाबा या गुरु हैं। रईस लोगों के गुरु हैं, थोड़े कम पैसे वालों के गुरु हैं, गरीब लोगों के भी हैं। कई गुरुओं के अपने गृह क्षेत्र के साथ ही विदेशों में भी भारी भक्त हैं। राजनेता, फिल्म अभिनेता, क्रिकेटर्स, नौकरशाह और आम आदमी सब इनके भक्तों में शामिल हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब देश की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री यानी इंदिरा गांधी जब तक सलाह के लिए अपने योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के पास पहुंच जाती थी। बहुत से गुरु सफल उद्यमी भी हैं यानी बिजनेसमैन हैं, जो भारी व्यापारिक साम्राज्य चलाते हैं यानी बिजनेस करते हैं, जैसे पारंपरिक दवाएं, स्वास्थ्य उत्पाद, योग कक्षाएं, आध्यात्मिक उपचार बेचते हैं। वे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी चलाते हैं। बहुत से गुरु भारत की सबसे जानी मानी कंपनी खड़ी कर देते हैं। यानी कहा जा सकता है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक गुरु है। वो इसलिए क्योंकि तेजी से शहरीकरण के देश में जहां महत्वाकांक्षाओं के साथ ही हताशा और भ्रम के उबाल हैं, ये गुरु जनमानस के लिए प्रायोगिक औषधि की तरह है। यानी हम देखते हैं कि अक्सर हम भ्रम में रहते हैं और आत्मविश्वास की कमी और कई ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हमें किसी की जरूरत होती है, और फिर हम उन लोगों की तलाश करते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है और फिर हम चले जाते हैं उन बाबाओं के पास, और लोग उनके शिष्य ये सोचकर बनते हैं कि वो उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जादू चमत्कार पर भी यकीन रखते हैं, सोचते हैं कि उनकी जिंदगी अचानक से बदल जाएगी, और इस भ्रम में वो ऐसे गुरु और बाबा का आश्रय ले लेते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा कि कई बाबा चमत्कार भी करते हैं। कोई पैसे और खुशी के लिए बाबा का सहारा लेता है, तो कोई आत्मिक शांति के लिए, तो कोई किसी डर की वजह से बाबा का सहारा ले लेता है।
और फिर ये बाबा कारोबार का गणित चलाते हैं। धर्म की मजबूत ताकत और लाखों भक्त का साथ होने की वजह से इन बाबा या गुरुजी महाराज को खूब दान दक्षिणा मिलती है। आप भी किसी गुरु के पास गए होंगे तो दान दक्षिणा आपने दिया होगा। वहीं इनके भक्तों में ज्यादातर संख्या समाज के निचले तबके से आने वाले लोगों की होती है। जहां गरीबी की मार झेल रही जनता को ये बाबा ढांढस बंधाने से लेकर घरेलू हिंसा से छुटकारा, शराब या गुटखे की आदत छुड़वाने जैसे प्रलोभन देते हैं, यानी लालच देते हैं कि आप हमारे पास आओगे तो आपकी आदत छूट जाएगी और आपको बहुत लाभ होगा। इसके बदले में लोग अपनी संपत्ति से लेकर सर्वस्व तक इन बाबाओं पर न्योछावर कर देते हैं, यानी पैसा तो ज्यादा देते हैं, अपनी कमाई का हिस्सा भी इन बाबाओं को दे देते हैं। और इसी वजह से हमारे देश में हर गली मोहल्ले में किसी ना किसी बाबा के गुणगान करता कोई ना कोई इंसान आपको मिल जाएगा। यानी आपके बगल का अगर कोई व्यक्ति है तो उसका भी कोई बाबा या गुरु होगा, आप देख लीजिएगा, बात करिएगा कभी। कभी कोई बाबा हेलीकॉप्टर बन जाता है तो कभी कोई बाबा बिस्किट को विष बता देता है। गाहे बगाहे हमें ऐसे किसी बाबा के बारे में पता चलता है जिसकी लाखों में फॉलोविंग हो, लेकिन उसे पुलिस ने किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ऐसे भी बाबा हैं। ऐसे बाबाओं को ना बाबा ना कहने की जगह लोग दीवानगी को भक्ति का नाम दे देते हैं। लगभग हर बड़े बाबा के नाम के पीछे कोई ना कोई केस दर्ज होता है। बाबा सिंड्रोम किसी एक से शुरू होता है और तेजी से दूसरे तक फैल जाता है। सिंड्रोम का मतलब कि एक व्यक्ति अगर बाबा के पास गया तो कई लोगों के पास वो जाएगा और उस बाबा के बारे में बताएगा और वो भी बाबा का आश्रय ले लेगा। दरअसल इसे छुआछूत की बीमारी जैसा ही समझ लीजिए, जिसमें एक इंसान 10 और लोगों को बाबा का फॉलोअर बना देता है। ऐसा नहीं है कि यहां मौजूद सभी बाबा गलत होंगे, लेकिन सही कौन गलत कौन इसे कैसे पहचाने, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा बाबा सही है और कौन सा बाबा गलत है। क्योंकि अब तक देश में कई ऐसे बाबा सामने आ चुके हैं जिन पर सवाल उठ चुके हैं, केस दर्ज हो चुका है, कुछ तो जेल में भी है। लोगों ने उन बाबाओं पर जमकर भरोसा किया। इनमें से एक रहे संत रामपाल। सतलोक आश्रम के संस्थापक और कबीर पंथ के लीडर संत रामपाल को 2014 में जेल हुई और 2010 से लेकर 2014 के बीच में उन्होंने कोर्ट में पेशी ही नहीं दी। उन्हें अरेस्ट करने से रोकने के लिए हजारों की संख्या में लोगों ने आंदोलन किया और उनके आश्रम के अंदर 5 महिलाओं और 1 बच्चे की लाश भी मिली। ऐसे ही बाबा राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक को जब जेल हुई तो पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में विरोध हुए। रेप के आरोपों में उन्हें सजा हुई और अरेस्ट के दौरान जो हिंसा हुई उसमें 250 लोग घायल हुए और 30 लोगों की मौत हो गई। इसी तरीके से एक और बाबा स्वामी नित्यानंद। स्वामी नित्यानंद को भगोड़ा करार दे दिया गया है। करोड़ों के मालिक इस बाबा ने इतनी संपत्ति इकट्ठा कर ली थी कि एक आइलैंड पर जाकर एक अलग ही देश बना लिया जिसका नाम कैलाश है। इच्छाधारी भीमानंद को ले लीजिए। श्रीमूरत त्रिवेदी ने 5 सितारा होटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की और 1988 में खुद को बाबा घोषित कर दिया। सालों तक हाई प्रोफाइल क्लाइंट के साथ काम किया और बाद में पता चला कि एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट ये बाबा चलाता था। इसी तरीके से आसाराम बापू का केस हम कैसे भूल सकते हैं। रेप के आरोप में आसाराम बापू और उसके बेटे नारायण साईं दोनों जेल में हैं। उनके आश्रम में गुरुकुल में पढ़ने वाले 2 बच्चों की लाशें भी मिली थी। और यह आंकड़ा एक चौंकाने वाला है जो कई सवाल सामने लाता है, जैसे आखिर क्यों ऐसी अंधभक्ति लोगों के अंदर देखी जाती है, क्यों लोग अंधभक्त हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब है कि इंसान जब भगवान बनने के ट्रेंड पर जाता है ना तो भक्ति भी अंधभक्ति में बदल जाती है। पर सवाल यही है कि ऐसा क्यों, क्या लोग भक्ति के लिए वहां जाते हैं या फिर किसी के बहकाने पर। हमारा मानना है कि लोगों को एक उम्मीद खींच कर ले जाती है, ऐसी उम्मीद जिसमें उन्हें लगता है कि उनकी समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। इसका जवाब ह्यूमन नेचर में भी देखा जा सकता है। हमें हर वो इंसान अच्छा लगने लगता है जो अच्छे से बोल सकता है, अपनी बातों से प्रभावित कर लेता है, यानी ठीक ठाक बोल लेता हो और लगता हो कि हाँ काफ़ी प्रभावशाली है और उनकी बातों में हम आ जाते हैं। इन सभी बाबाओं में यही एक क्वालिटी कॉमन थी, उन्हें बोलना आता था, ये किसी इन्फ्लुएंसर से कम नहीं होते। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ हजारों बाबा होंगे, उनके करोड़ों अनुयायी, पर हमारे देश में बाबा कल्चर इतना ज्यादा लोकप्रिय क्यों है, इसके पीछे कहीं ना कहीं यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला फैक्ट सामने आ सकता है। हमारे आसपास इतनी विविधता है और हम किसी और की मान्यताओं को नहीं मानते हैं। जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में हजारों कास्ट हैं, जातियां हैं, सब अलग अलग रीति रिवाज से रहते हैं। जब हम अपने आसपास वालों की बातों और मान्यताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं तब किसी धर्मगुरु की जरूरत महसूस होने लगती है।
शायद यही कारण है कि हम किसी धर्मगुरु को ही भगवान मानने लगते हैं और उस भगवान के पास खुद तो जाते ही हैं, साथ ही कई और लोग को भी ले जाते हैं। कहीं ना कहीं इन फेक बाबाओं की फॉलोइंग बढ़ाने का कारण सेलेब्स और हाई प्रोफाइल नेता भी होते हैं। आप सिर्फ अपने आप को दोष मत दीजिए, क्योंकि नेता और हाई प्रोफाइल लोगों का भी दोष थोड़ा सा होता है। कहीं वोट के लिए तो कहीं फिल्म प्रमोशन के लिए हमने गाहे बगाहे बड़े लोगों को इन बाबाओं के पास जाते देखा होगा, पर सबसे बड़ा कारण है आम इंसान का विश्वास कि किसी के पास जाने से उसका भला हो जाएगा। इस लाइन को गौर से सुनिएगा, आम इंसान का विश्वास ही उसे बाबा के पास ले जाता है कि हमारा भला हो जाएगा और चलिए बाबा के पास चलते हैं। हम भगवान का अस्तित्व मानते हैं लेकिन उन्हें छू नहीं सकते, उनकी बातें नहीं सुन सकते, उन्हें देख नहीं सकते। ऐसे में हम अपने सामने बैठे इंसान की बातों पर यकीन करके उसे ही भगवान बना देते हैं और बाबाओं को आप ऐसा ही समझते हैं कि बाबा भगवान है। श्रद्धा और आस्था की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन यह फायदेमंद भी होता है और नुकसानदायक भी होता है। एक इंसान के लिए हजारों लोगों का खड़े हो जाना और अपनी जान की परवाह ना करना गलत है, और भारत में बाबाओं का सिंड्रोम बहुत ही खतरनाक है। एक बाबा का कोई अपराध उजागर होता है तो चार और खड़े हो जाते हैं। आजकल बाबा धार्मिक गुरु कम और सेलिब्रिटी ज्यादा हो गए हैं। हजारों कैमरा और लाइट्स के आगे बैठकर प्रवचन देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। दुनिया का हर ऐशो आराम और सुख सुविधा इन बाबाओं के पास है। इनके साथ अगर लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त मिल जाएं, तो इंसान खुद को भगवान समझने लगेगा ही। ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये भगवान के दूत होते हैं या हमारी और आपकी तरह एक आम इंसान। इनकी भक्ति सही है या अंधभक्ति, इन्हें भगवान माना जाए या फिर धर्म। सवाल अनेक है लेकिन इसका जवाब शायद सिर्फ एक ही हो, जिसे आपको तय करना है। और आपने ये तय नहीं किया तो ना जाने कितने बाबा कितनी जिंदगियों को तबाह कर देंगे, सोचिएगा जरूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।